So, in this topic, social political behavior, it is very important and critical regarding the human nature, regarding the human behavior. Because in every aspect, human behavior is the basic focus of political sociology. So, we can say that social political behavior is basically the study of psychological perspectives of masses about the political process. एंड सिस्टम्स अराउंड टेम यानी हम सब जो कुछ अपने सियासी निज़ाम के बारे में सोचते हैं बेसिकली दैट रिफ्लैक्ट्स टू द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स सो इन अदर वर्ड्स द थिंकिंग ऑफ मैस पब्लिक अबाउट पॉलिटिक्स डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस सोशल पोलिटिकल बिहेवियर बिकॉज सच सोशल एंड पोलिटिकल चेंज है मेजरली सप्लीमेंटेड बाई थर्ड वेव ऑफ डेमो डेमोक्रेटाइजेशन पोलिटिकल सोशोलॉजी तो अपने आगाज से ही ये समझती रही और उसने ये एक्सप्लन भी किया कि इंसानों का रवैया चाहे वोशरती रवैया हो चाहे सियासी रवैया हो वह बहुत अहम होता है क्योंकि इंसान अहम है लेकिन इल्मी मैदान में जब प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का स्टार्ट हुआ डिबेट स्टार्टेड रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट देन एक्चुअली इट फर्दर स्ट्रेंथन दैट द ह्यूमन बिहेवियर द सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज़ द एक्चुअल की टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन बिकॉज द स्टडी ऑल्सो स्ट्रेस ऑन द कैपेसिटी ऑफ पब्लिक मैसेज अबाउट द गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एकरिंग मोर नॉलेज ऑफ देयर पोलिटिकल सिस्टम्स वक्त के साथ साथ लोगों को ये महसूस हुआ लोगों को भी ये अंदाज़ा हुआ कि वो सिर्फ एक दिन निज़ाम का हिस्सा नहीं है बल्कि उन्हें अपने सियासी निज़ाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूम रखने का हक हाँ है चाहे ये मालूम पोलिटिकल सिस्टम की वर्किंग के बारे में हो सियासी निज़ाम की कामयाबियों नाकामियों के बारे में हो इस सब की इंफॉर्मेशन लोगों के पास होना ज़रूरी है बिकॉज़ द ह्यूमन बिहेवियर दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी पोलिटिकल डिबेट्स ये बहुत सारे पोलिटिकल फ़िलासफर्स का परस्पेक्टिव है कि इफ़ द ह्यूमन बींग्स मे बी फेमिलियर विद द पोलिटिकल डिबेट्स जो जो भी सियासी लिहाज से जो डिबेट माशरे में हो रही है उसका लोगों तक पहुंचना असल में उनकी सियासी तरबियत का हिस्सा है यानी कोई भी सियासी तरबियत मुमकिन नहीं है अगर लोगों के पास मालूम ना हो लोगों के पास ये इल्म ना हो कि उनका निज़ाम किन मरहल से गुजर रहा है निज़ाम को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं निज़ाम की कामयाबी कैसे मुमकिन है या उन मसाइल का हल कैसे मुमकिन है ये सब सोशल पॉलिटिकल बिहेवियर का हिस्सा कंसिडर होते हैं सो सच बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ हैव बीन सिंस लॉन्ग विद वेरिंग लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड कॉर्गिनेटिबाइजे एवरी वन हैज सम पोलिटिकल इंटरेस्ट एज वेल एज everyone has a cognitive map which actually bounds individuals to move to some certain direction ठीक है हम सबके पास एक कॉग्निटिव मैप है जो हमारी तरबियत हमारे एक्सपीरियंसेस हालातो वाक्याते हमारे माइंड में बिल्ड किया है एंड वी ऑल आर बाउंड टू बिहेव इन टू सम सर्टन डायरेक्शंस विच आर क्लियरली डिटर्म बाय आर कागनेटिव मैप हाँ ये हो सकता है कि कोई ऐसा इतफाकी हादसा कोई ऐसा वाक्य जो हमारे कागनेटिव मैप से हमें अलहदा कर दे या उसके असरा को कम कर दे तो हमारे रवैये तब्दील हो सकते हैं लेकिन बेलमूम हमारे रवैयों की बुनियाद हमारा माजी ही हुआ करता है सो इन कॉन्टेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक रजीम्स इलेक्शन एंड वोटिंग आर कंसिडर्ड एज अल्टीमेट क्रिडेंशियल फार डेमोक्रेसी बट समर पीपल अटैच थिंग लाइक क्वालिटी ऑफ इलेक्शन अलॉन्ग विद वैल्यूज अटैच टू इट हालांकि एक वक्त ऐसा था सिर्फ इलेक्शन में वोट देने को अहम समझा जाता था लेकिन अब जो बात हो रही है वो ये है क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस यानी इलेक्शंस कितने फ्री एंड फेयर हैं उससे ही इंसानों के माशरे के अंदर तब्दीली और बेहतरी आने के चांसेस जो हैं उनको मौक़ा मिलता है